प्रयागराज चाहे जान जोखिम में पड़ जाए, बार बार चालान कटने से हजारों रुपए जुर्माना भरना पड़े, मगर लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस गाड़ियां रोककर चेकिंग करती हैं तो लोग बिना जुर्माना वसूले छोड़ने के लिए हाथ जोड़ते या फिर धौंस जमाने लगते, जबकि जरूरत सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनकर नियमों का पालन करने का है। यातायात माह के दौरान मीडिया और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत सोमवार को भी पुलिस ने शहर और देहात में जगह जगह वाहन चेकिंग के दौरान लोगों को सड़क पर सुरक्षित रहने और देहात में जगह जगह वाहन चेकिंग के दौरान लोगों को सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए ट्रैफिक नियमों के प्रति चेताया। इस दौरान नियमों को तोड़ने पर करीब 2.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। ये अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं आपकी हमारी जनता जो है उसको ये जागरूक करने के लिए कि हेलमेट सीट बेल्ट आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, तो आप इसका पालन कर रहे हैं। जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसमें जो जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है उसमें इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह से कुछ मोटरसाइकिल राइड्स या पैदल मार्च या इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरकार की मंशा है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जो लगभग 1.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में है उसकी संख्या को कम किया जाए, और उसी के तहत ये जागरूकता का एक पार्ट है लोगों को दिखाया जाए। आप जो हैं जो लोग हेलमेट लगाए थे अभी हमारी कुछ लाइन्स क्लब की महिलाओं के द्वारा उन्हें गए, और जो लोग नहीं लगा रहे हैं या वॉयलेट कर रहे हैं उन्हें हम विभिन्न तरीके अपना रहे हैं, कभी टॉफी दे रहे हैं, कभी फूल दे रहे हैं, कभी कुछ और तरीके भी अपनाएंगे जब शायद उन्हें फूलों की तरह भी उनको दिखाने के लिए ये है कि देखिए आप अपने प्रति सचेत नहीं हैं, आप अपने सुरक्षा के प्रति आप जो है लापरवाही बरत रहे हैं, आप स्वयं हेलमेट नहीं धारण कर रहे हैं और अपने पीछे बैठे हुए उनको दोनों की जीवन के एक तरह से खिलवाड़ करें, तो आप अभिमुख हों, हेलमेट पहने, अपने जीवन को बचाएं। कितने गाड़ियों का चालान हुआ सर अभी तक? ये अभी तो हम लोगों ने चालान की कार्यवाही शुरू की है, सवेरे से अब तक लगभग 300 के करीब हम लोग चालान कर चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में 800 चालान के एवरेज से आप 7 दिन को रखेंगे लगभग 6-7 हज़ार चालान हम लोग करेंगे, और वो चालान महत्वपूर्ण है कि उन चालानों को हम लोग डाक के माध्यम से और SMS के माध्यम से उसको उनके घर या मोबाइल के दूर। खबर जगत 24 न्यूज प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट।